हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एंगुलर प्रोजेक्ट सीरीज। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 14th वीडियो है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ नहीं करूँगा, वो है लोकल स्टोरेज का और यहाँ पे नाम वगैरह दिखाना। ठीक है, बट मैं यूज़र की एंट्री तक करवाऊँगा। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। रजिस्ट्रेशन यूज़र के अंदर ये हमारे मेजर चार पॉइंट है। सबसे पहले हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म का डाटा गेट करेंगे, एक सर्विस बनाएंगे एपीआई कॉल करने के लिए और उस सर्विस के अंदर न्यू यूज़र की एंट्री कर देंगे। यहाँ पे एक और जो यूज़र वाला एरिया ना, इसको मैं स्टार्टिंग से बनाऊंगा, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और आपको एंट्री दिख जाएगी न्यू यूज़र की। ठीक है, और अगले आने वाली वीडियो के अंदर, जो आगे वाली वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे, इस सेशन स्टोर करवाएंगे उसके अंदर और पेज के ऊपर गार्ड्स वगैरह लगा देंगे। ठीक है, कि जैसे ये अब ये पेज है तो जैसे लॉगिन वाला पेज है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ये लॉगिन होने के बाद नहीं दिखनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक वीडियो में नहीं कर सकते, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हमें दो फाइलों के अंदर चेंज करने हैं मेजरली। रजिस्ट्रेशन वाले राउट के अंदर जाऊँगा मैं सबसे पहले, ये रहा। ठीक है, एक तो TS फाइल के अंदर, इसके अंदर मेजर चेंजेस होंगे, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा चेंजेस हो गए हमारे रजिस्ट्रेशन वाली फाइल के अंदर। ठीक है, सो इनके अंदर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। मैं जो हमारा ऐड रेस्टोरेंट वाला था उसको मैं फॉर्म कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली फील्ड्स हमारी सेम ही रहने वाली हैं। सो मैं इसको यहाँ पे फॉर्म में कॉपी कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, स्केच वन टैग हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ रजिस्टर यूज़र, न्यू यूज़र। ठीक है, और राइट, उसके करने के बाद में हमें ये कंडीशन चाहिए, बट अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आने वाली वीडियो आने वाले टाइम में इसके अंदर मैं ठीक भी करूँगा। ये इवेंट हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और देखिए इसके अंदर हम तीन चीज़ें रखने वाले हैं बेसिकली, नेम होगा, ईमेल एड्रेस होगा, और इसके अंदर पासवर्ड रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड के बिना तो लॉगिन हो नहीं सकता ना, सो पासवर्ड, और यहाँ पे भी कर देता हूँ पासवर्ड, इसका टाइप भी पासवर्ड रहेगा क्योंकि पासवर्ड अभी दिखता नहीं है कभी भी। ठीक है, ताकि यहाँ पे डॉट 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 सीखे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में बेसिकली यहाँ पे फॉर्म वगैरह को इम्पोर्ट करना है। सो मुझे जो मेजर मेजर चीज़ें, सबसे पहले फॉर्म इम्पोर्ट करना है यहाँ से, तो यहाँ से फॉर्म उठा के इसके कंपोनेंट और TS फाइल के अंदर रख लेता हूँ। ठीक है, ये रख लिया, और उसके बाद में हमें जो इसका फॉर्म का नाम होगा उसको मैं यहाँ पे ग्रुप को ले आता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप भी डिफाइन कर देता हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो अब इसकी जगह मैंने आपको पता कि पासवर्ड चेंज करा है, मैंने इसका नाम यहाँ पे पासवर्ड रख दिया, इसका नाम मैं रजिस्टर कर दूँगा, रजिस्टर। सो ये करने के लिए मैं इसको अभी के लिए थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पे फॉर्म का नाम चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे आके लिए। सो मेरे फॉर्म का नाम पहले एड्रेस तो था, अब यहाँ पे कर दिया है। सो नाउ लेट्स सी कि हमें दिख कैसा रहा है। आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह थोड़ा सा इस, ये थोड़े से पहले से सेव चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ क्योंकि कैशियर वगैरह से उठा लेते हैं ना इस वजह से। सो अब देख सकते हो थोड़ा क्लीन दिख रहा है आपको भी। ऑल राइट, सो अब इसके अंदर क्या करना है, हमें तीनों के अंदर जो एंट्रीज होगी जो इसके अंदर, उसको हमें यहाँ पे सबमिट करने के बाद में कलेक्ट करना है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सबमिट फंक्शन बना ही लेता हूँ। सो इसमें लिखता हूँ यहाँ पे ng सबमिट, और यहाँ पे उसका नाम लेता हूँ कलेक्ट, कलेक्शन कर लेता हूँ इसका नाम में। ठीक है, और ऑब्वियसली एक फंक्शन है तो इसको मैं इस तरीके से फॉर्म में रख लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कलेक्शन नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन के अंदर मैं कंसोल डॉट वॉन करके मेरा जो फॉर्म है रजिस्टर डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यूज निकालूंगा, सॉरी यहाँ पे दिस आएगा, दिस डॉट रजिस्टर डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स चेक कि क्या हमें इस फॉर्म की वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है अभी तक। सो मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ, लेट्स से मैंने नेम एंटर करा अनिल, ईमेल anil@test.com, पासवर्ड 123, लेट्स सी। देखिए तीनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, तो डाटा हमारा फॉर्म से तो आ गया, दैट मीन्स कि हमें इसको बस सबमिट करना है अभी API के अंदर।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्विस मेरी इंपोर्ट करता हूँ, समथिंग फ्रॉम, अब सर्विस का मेरा यूआरएल था रेस्ट ऑफ सर्विस करके, और रेस्ट ऑफ सर्विस के अंदर मुझे ऑब्वियसली एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेस्ट ऑफ सर्विस निकाल ही देता हूँ, रेस्ट ऑफ सर्विस, और इसका एक इंस्टेंस भी बना लेता हूँ, ठीक है। सो इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट रेस्ट ऑफ सर्विस का एक इंस्टेंस बना लिया इस तरीके से, परफेक्ट। सो अब आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ बेसिकली रजिस्टर, रजिस्टर यूज़र, ठीक है। सो इसका नाम बनाने के बाद में ऑब्वियसली हमें यहाँ से डेटा मिलने वाला है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा। ओके देखिए, अब यहाँ पे एक्चुअली जो यूआरएल होगा ना, ये अब ये वाला यूआरएल नहीं चलेगा, यूआरएल में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यूआरएल मैं करूँगा यहाँ पे रजिस्टर यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे रूट आप दे सकते हो, रूट यूआरएल इतना डिफाइन कर सकते हो बेसिकली अभी के लिए, अगली वाली किसी वीडियो में इसको रिफैक्टर कर लेंगे, बट रूट यूआरएल हम यहाँ पे ले सकते हैं इतना, ठीक है। वैसे तो इन जो फाइल्स होते हैं इनकी हमेशा एक कॉन्स्टेंट फाइल अलग से बनती है, बट दैट्स ओके कि हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी हम मैनेज कर सकते हैं। बट वीडियो के लास्ट के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होगा तो इन सबको मैं ठीक करके दिखाऊंगा भी आपको। सो अब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, क्योंकि हमारे पोस्ट फंक्शन होने वाला है। सो सबसे पहले तो हमारा बेसिकली ये वाला URL रहेगा, और इस URL के अंदर हम बेसिकली कॉल करेंगे, सॉरी इसको मैं रूट कॉल करूँगा यहाँ पे, दिस डॉट रूट URL प्लस प्लस के बाद में हैश यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स नाम से मैं एक इसका वहाँ पे API बनाने वाला हूँ, ठीक है। और जो डाटा आ रहा है उसको हम इस तरीके से डाटा में पास कर देंगे। सो फॉर्मेट करेंगे, अब हम जाते हैं रजिस्टर जो हमने यहाँ पे इसको फंक्शन बनाया इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। सो जस्ट कॉल इट लाइक दिस, दिस डॉट रेस्टो डॉट, इसके अंदर हमारा फंक्शन का नाम था रजिस्टर यूज़र, और रजिस्टर यूज़र जैसे ही होगा तो इसका सब्सक्राइब कॉल करेंगे हम, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब अपने आप में हमें प्रोवाइड करता है एक कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारी एंट्री क्या हुई है। वॉन के अंदर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और रिजल्ट हमारा कहाँ से आएगा, रिजल्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। और इसके अंदर हम एक कुछ वैल्यू सबमिट करनी है फॉर्म की, सो सारी की सारी वैल्यू इसमें पड़ी हैं, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ऑल राइट, सब ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि रजिस्टर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें आके एक न्यू जो हमने बेस वाला बनाया ना अभी सर्विस के अंदर यूज़र्स वाला, ठीक है, जैसे कि रेस्टोरेंट का था तो वैसे यूज़र के अलग से भी बनेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली कोमा लेके यूज़र्स, और इसका एरे बनाऊँगा, ऑब्जेक्ट लूँगा, और इसके अंदर बेसिकली तीन चीज़ें रहने वाली हैं जैसे मैंने आपको बताया, नेम। ओके, ये तो हम अपने आप में एंट्री हो जाएंगे, इनके हमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, जैसे फर्स्ट यूज़र एंटर होगा तो इसके अंदर हो ही जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको इस तरीके से सेव करके रखता हूँ। Now let's come here and try to register new user. So मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ अनिल, ईमेल आईडी anil@test.com, और पासवर्ड रखता हूँ 123। सो देखते हैं कि नेटवर्क रिक्वेस्ट में क्या जाता है और हमें क्या मिलता है जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा। ओके, सो इसने मुझे एक एरर दे दिया, सबसे पहले इसने मुझे बोला कि URL not found, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश लगा हुआ है। सो यहाँ पे आके क्योंकि स्लैश पहले लगा हुआ है तो मैं यहाँ से स्लैश हटा सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो परफेक्ट, यहाँ पे तो यूज़र्स, ठीक है। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ anil@test.com और पासवर्ड 123, सबमिट करता हूँ, ये सबमिट हो गया है। और सबमिट अगर हुआ है तो मैं यहाँ पता चला कि यहाँ पे हुआ क्या। देखिए, यूज़र फर्स्ट हमारा आ गया विद आईडी, आईडी हमने इवन दी भी नहीं थी, तो आईडी अपने आप ऑटो जनरेट करता है ना, तो यहाँ से आ गया एक न्यू। अब जैसे हमारा एक न्यू यूज़र आ गया तो हमें एटलीस्ट यहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए ना कि न्यू यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ऑलराइट, सो ठीक है, लॉगिन तो हम अगले वाली वीडियो में करवाने वाले हैं, बट एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फंक्शन के अंदर हम इसको ऑन कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे आपको पता है कि हम दो तीन वाली पहले भी यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट
वेरिएबल यूज़ करेंगे बेसिकली. सो अलर्ट होगा बाय डिफॉल्ट फॉल्स, बूलियन वैल्यू और फॉल्स होगा, ठीक है. और फॉल्स होने के बाद में हम इसको जब भी पे का रिजल्ट आ जाएगा उसको ट्रू करेंगे, दिस डॉट अलर्ट इज ट्रू. और बाद में उसके साथ हम यूज़ करेंगे क्लोज अलर्ट, क्लोज अलर्ट करेंगे यहाँ पे. और यहाँ पे दिस डॉट अलर्ट के साथ हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर फॉल्स हो जाए. तो नाउ लेट्स ट्राई टू विद अ न्यू एंट्री, लेट्स ट्राई विद द पीटर. ईमेल आईडी anil@test.com और समथिंग. पासवर्ड में यहाँ पे ओके, ईमेल आईडी भी पीटर होनी चाहिए ना, अनिल क्यों आ गया. ओके और पासवर्ड है लेट्स से ABC. और जैसे मैं इस पे हिट एंटर करता हूँ इसने मुझे मैसेज दिया डाटा हैज़ बीन एंटर्ड सक्सेसफुली. सो हम यहाँ पे यूज़र भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से टेक्स्ट था. तो मैं यहाँ पे आगे आने वाली चीज़ों के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ योर डाटा हैज़ बीन एंटर्ड, यूज़र न्यू यूज़र हैज़ बीन एंटर्ड सक्सेसफुली. और देखते हैं ये हुआ भी है कि नहीं, इसने ऐसे दे दिया. यहाँ पे सेकंड यूज़र भी हमारा रजिस्टर हो गया है. ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. बाय बाय, टेक केयर.